सभी के हृदय में वास करने वाले प्रभु श्री राम का भव्य से भव्य मंदिर आज भारत के हृदय में स्थापित होने और बनने जा रहा है। अयोध्या में काफ़ी सालों का इंतजार करना पड़ा प्रभु श्री राम को और पूरे भारतवर्ष में भारत के सभी लोगों को कि जल्द से जल्द केस का निपटारा हो और प्रभु श्री राम का मंदिर बने। तो अभी मंदिर बनने जा रहा है, तो एक दिव्यांग होने के नाते सभी दिव्यांगों की ओर से मैं प्रभु श्री राम के चैरिटेबल ट्रस्ट है मंदिर का, उनको मैं ये बात अपनी थोड़ी बहुत जो है वो शेयर करना चाहूँगा। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी साहब को भी मैं ये वीडियो के माध्यम से मेरी बात उन तक पहुँचे, तो मैं उनसे थोड़ी बहुत सुझाव और थोड़े बहुत जो हमें परेशानियाँ आती है उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मंदिर जो भी बन रहा है उसमें दिव्यांगों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, ऐसा कुछ मंदिर बनाना। तो ऐसा भव्य से भव्य मंदिर बनने जा रहा है, तो सभी की एक लालसा होती है कि हम प्रभु श्री राम के दर्शन करने जाए, फिर वो नॉर्मल पर्सन हो, हैंडीकेप पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो। तो मेरा जो सुझाव है सर मंदिर में चैरिटेबल ट्रस्ट को कि व्हीलचेयर एक्सेसिबल पूरे का पूरा मंदिर हो, तो उसमें मैं थोड़े बहुत सुझाव दूंगा। तो उसमें फर्स्ट वाला मेरा सुझाव है, अगर ये लागू हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैं व्हीलचेयर यूज़र्स हूँ तो जानता हूँ कि मुझे क्या क्या परेशानियाँ होती है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि हम बाई रोड आते हैं, बाई कार आते हैं, तो सबसे पहले जो भी पार्किंग एरिया है तो वो कम से कम मंदिर से मानो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दूर होगा। तो उसमें फर्स्ट हमें ये कर देना कि हम अगर पर्सनल कार से आते हैं या कोई हम ऐसा व्हीकल लेके आते हैं, तो हमारा पार्किंग जो है वो वहाँ वहाँ से हटा कर थोड़ा मंदिर से ज़्यादा पास रखना, और वहाँ पर सिर्फ हम लोगों की ही कार जा सके। और हम अगर ऑटो में आते हैं तो हमारी ऑटो को परमिशन मिले वहाँ तक जाने की, प्राइवेट कार हो तो प्राइवेट कार को हम मंदिर के बिल्कुल पास ले जाने की हमें परमिशन दे दो, क्योंकि आपकी जो भी ई रिक्शा है वो हमें पार्किंग से यहाँ पर ले तक तो आती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम जहाँ पर वो आप अगर वहाँ पर हम मान लीजिए कि हम अपनी कार पार्क कर देते हैं और फिर हम वहाँ से व्हीलचेयर में आते हैं, व्हीलचेयर से आपकी ई रिक्शा में आते हैं, तो इसमें हमें थोड़ा बहुत दो तीन लोगों का सहारा होना पर ज़रूरत पड़ती है, तो हमें दिक्कत आती है और जो हमारे साथ है होते हैं उनके लिए भी दिक्कत आती है। तो पहला मेरा यही सुझाव है कि पार्किंग एरिया से हटाकर हमारा पार्किंग जो है वो सिर्फ हमारे लिए, और जो वीआईपी के लिए हो तो वो कोई अलग बात है। तो हमारा जो पार्किंग है वो सबसे मंदिर के निकट से निकट पास से पास हो। फिर दूसरी बात है, मतलब मंदिर तो बहुत ऊंचा है, मैंने ऐसा कुछ न्यूज़ वगैरह में 3D इमेज से देखा हुआ है, ये टीवी में न्यूज़ से, तो मैं तो मंदिर बहुत ऊंचा है। तो मंदिर में आप ऐसा करना कि जो भी रैप बनाते हो, तो रैप मतलब मानो आप 5 फुट जितना ऊंचा है रैप, 5 फुट जितना हमें रैप से चढ़ना है, तो 5 फुट का रैप मत करना। ऐसे मान लीजिए आप सीधी चढ़ान है तो उस चढ़ान को ऐसे करो, फिर सीधा करो और उसको ऐसे ही करो, मतलब 5 फुट का हम पहले इसे 2 फुट का इस तरफ से, फिर थोड़ा सीधा और फिर 2 फुट का इस तरफ से। अगर 5 फुट सीधा हम चढ़ेंगे और जो हमारे साथ भी होंगे वो हमको धक्का लगा के चढ़ाएंगे, तो सीधा 5 फुट चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा इस थोड़ा उसको एल आकार, एल शेप दे दो, तो ऐसा रैप बनाना एल शेप वाला। और उसके बाद हम लिफ्ट में, उसके बाद तीसरी है लिफ्ट, मतलब हम जो रैप से चढ़ गए और मंदिर के गर्भगृह में आ गए, तो वो लिफ्ट वहाँ पर बनाना कि उसके बाद हमें अगर मान लीजिए हम वो 5 फीट चढ़ के अगर हमारे लिए कोई एक ऐसी लिफ्ट बना देना कि वो सीधी ऊपर तक जाए और जो भी मंदिर का मेन राम जी यहाँ पर बैठे हैं उनके पास ही वो लिफ्ट का जो मेन डोर है वो ओपन हो। क्योंकि सोमनाथ मंदिर में कैसा है, लिफ्ट से हम चढ़ तो गए, फिर उसके बाद भी दो तीन ऐसे जो बोलते हैं गुजराती में पगथिया, तो दो तीन ऐसे पगथिया है, तो वो पगथिया में भी क्या वो 3-4 लोगों को पूरी व्हीलचेयर और हमें उठाना पड़ता है। तो ऐसा मत हो, लिफ्ट जहाँ पर है उसका ऊपर का और जहाँ पर भी राम जी बैठे हुए हैं वहाँ पर ही सीधा मंदिर का, वहाँ पर ही सीधा लिफ्ट का दरवाज़ा खुले, लिफ्ट के बाद कोई सीढ़ियाँ ना हो, ऐसा कोई पगथिया ना हो, तो इसका ख्याल रखना जरूर। क्योंकि देखिए काफ़ी लोग हमको हेल्प तो कर देंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो हमारे लिए उतना कंफर्टेबल नहीं होता जितना हमको होना चाहिए। चौथे नंबर पर बात करें हम, तो मेन है हमारे लिए जो व्हीलचेयर एक्सेसिबल टॉयलेट वगैरह, तो वो मंदिर से जितना हो सके उतना दूर रखो लेकिन हमारे लिए एक्सेसिबल रखो। तो जो भी टॉयलेट वगैरह है वो फुल्ली व्हीलचेयर एक्सेसिबल हो, ऐसा करना ताकि हमें व्हीलचेयर से वो टॉयलेट तक जाने में कोई दिक्कत ना हो, लेटरिन वगैरह जाना हो तो।
तो इसका बात का भी ख्याल रखना। और वो मंदिर से थोड़ा दूर हो तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम बात करें प्रसाद की, तो इतना बड़ा भव्य मंदिर बनने जा रहा है तो प्रसाद की व्यवस्था भी की हुई होगी। तो प्रसाद की वह जो भी व्यवस्था है वहाँ पर हमारे लिए एक अलग से टेबल बना देना, क्योंकि काफ़ी मंदिर में ऐसा होता है कि नीचे बैठ के काफ़ी लोगों को प्रसाद लेना पड़ता है। तो हम जैसे दिव्यांगों के लिए और ओल्ड एज जितने भी हैं उनके लिए एक अलग से टेबल की व्यवस्था कर देना कि वहाँ पर सिर्फ वही लोग बैठे और जो नॉर्मल पर्सन है वो नीचे बैठे, क्योंकि वहाँ पर भी हमें दिक्कत आती है प्रसाद वगैरह लेने में। इतना बड़ा मंदिर बन रहा है तो ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि इतनी व्यवस्था भी होगी। तो ऐसे अगर हो, अगर बनना हो अन्न क्षेत्र वगैरह या प्रसाद का ऐसा, तो हमारे लिए अलग से एक टेबल बना के रखना, भले ही वो 100 लोगों का हो, उतने में चल जाएगा, क्योंकि 100 से ज़्यादा विकलांग तो शायद नहीं आएंगे। ओल्ड एज वाले आएंगे लेकिन 100 से ज़्यादा विकलांग तो एक दिन में शायद नहीं आएंगे दर्शन करने। तो ऐसा एक टेबल अलग से बनाना अन्न क्षेत्र यहाँ पर चलता हो वहाँ पर। और 5वें नंबर पर है धर्मशाला, मतलब हम गुजरात से आते हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने अयोध्या में, तो एक अलग से धर्मशाला, एक अलग से वो होटल जैसी व्यवस्था हम लोगों के लिए करना। अगर ओल्ड एज के लिए करो तो अच्छा रहेगा कि जो मंदिर के पास ही है, मतलब हमारी धर्मशाला हो, नॉर्मल लोगों की दूर हो तो वो चल के आ सकते हैं। अगर नॉर्मल लोगों के साथ हमारी धर्मशाला होगी तो व्हीलचेयर से पूरा हमें वहाँ तक आने में दिक्कत हो जाएगी। और अगर मुझे दूसरे दिन तीसरे दिन तक भी दर्शन करने हैं राम भगवान जी के, तो मुझे अच्छा रहेगा कि मैं 2-3 बार दर्शन करके आऊँ। अगर मान लीजिए सुबह की आरती में जाना है और आपको शाम की भी आरती में जाना है, तो धर्मशाला जितनी दूर होगी उतनी प्रॉब्लम ज़्यादा होगी और आरती में जाने का मन भी नहीं होगा मेरे जैसा लोगों का, तो ऐसी बात नहीं है। तो धर्मशाला भी हो सके उतनी नज़दीक रखना। और आप तक ये वीडियो पहुंची हो तो कृपया हमारे लिए ऐसी व्यवस्था कर देना, छोटा मुँह और बड़ी बात जैसा हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम आई थी इसलिए बता रहा हूँ कि इस बार प्रॉब्लम ना आए। नया मंदिर बनने जा रहा है भगवान श्री राम का, तो इस वाले मंदिर में प्रॉब्लम ना आए, तो थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना हमारा इस बार। और अगर कुछ ज़्यादा कह दिया हो तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं मुझे पता है कि व्हीलचेयर वालों को क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए अच्छा रहेगा आप कर दो ऐसा। तो कृपया ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो हम दिव्यांगों की ओर से जो मैं बात कर रहा हूँ वो सरकार तक पहुँचे, राम मंदिर ट्रस्ट तक पहुँचे, और हमें ये वाले मंदिर में ज़्यादा दिक्कत ना आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सहूलियत मिल सके। और प्रभु श्री राम के दर्शन की लालसा किसे नहीं होगी। तो गुड बाय एंड टेक केयर, जय श्री राम।